हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वांत्रा. दिस इज दियर योर होस्ट फॉर दिस चैनल. एंड वापस एक बार आ गई हूँ सीडीजी की क्लास लगाने, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया और उसमें मैंने एज सच तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन कुछ ब्लाइंड फॉलोवर्स आए हैं जो बहुत अजीब तरह की कॉमेंट मेरे चैनल पर कर रहे हैं. उनका कहना है कि मैं अपना दिमाग यूज नहीं करती, बट उन्हें ये शायद पता नहीं है कि मैं उनसे ज्यादा दिमाग यूज करती हूँ और उनसे ज्यादा मैंने शायद इस चैनल को देख रखा है. लेकिन इस चैनल पे करीब 903 या ऐसा कुछ वीडियोस हैं. देखो, अब रिएक्शन दे रही हूं तो थोड़ा R&D तो मैं करूंगी, राइट? और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं इस चैनल के खिलाफ हुई. पहले मुझे भी ये चैनल बहुत पसंद था जब ये डीकोड करती थी कि SSR के केस में ये हुआ वो हुआ, क्योंकि हम सबका बहुत ही प्यारा एक बॉलीवुड एक्टर था जिसे बहुत पसंद करती थी पब्लिक. एंड इनफैक्ट उसके डिमाइस के बाद मुझे पता चला कि वो एक जीनियस भी था और वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था. इसलिए मैंने भी शुरू में इनके चैनल को बहुत सपोर्ट किया. लेकिन अब ये जिस ट्रैक पे जा रही है ना, वो ट्रैक होता है मैनिपुलेशन का, वो ट्रैक होता है इंडिया के लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़काने का. और इनके सब्सक्राइबर्स ने जो कॉमेंट किए हैं उसका जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन इंट्रो के बाद. मिलती हूँ आपसे. अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो पे जाएंगे जो मैंने CD के ऊपर बनाया है, तो वहां पे आप देखेंगे कुछ इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स आए हैं. उनमें से एक फॉलोवर का तो कमेंट इनका फॉलोवर है, वो बेसिकली मेरे नहीं है. एक कमेंट जो मैंने सबसे पहले रीड किया था, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला और कॉमेंट्स मैंने आज चेक किए हैं. तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक कॉमेंट था कि तुमने CD के नाम से 1700 व्यूज ले लिए, है ना मैडम? 1700 व्यूज मैंने ले लिए मैडम, अभी तो और लूंगी, क्योंकि अभी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है. कितनी बड़ी एंटी इंडियन चैनल है वो, लोगों को पता नहीं है. मैं बताऊंगी, मेरे पास सारे प्रूफ है. चलिए, सबसे पहला, जो भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, ये एक ऐसा चैनल है. मैं इस चैनल का इंट्रो एक बार फिर से दूंगी आप लोगों को. इस चैनल का उत्पत्ति हुआ जब SSR की न्यूज ब्रेक हुई कि उसके साथ ऐसा हुआ, और उसके बाद बहुत सारे चैनल्स आए जो डीकोड कर रहे थे कि उस दिन ऐसा हुआ होगा, उस दिन वैसा हुआ होगा. लेकिन ये एक इकलौता चैनल ऐसा था जो उससे जुड़े हर इंसान के इंस्टाग्राम पे, हर इंसान के ट्विटर पे, हर इंसान से, उस इंसान से जुड़ी हर न्यूज पे एकदम, जिसको कहते हैं ना, घुस जाना, चीजें निकाल के लाना, उसको डीकोड करना, उसके ऊपर वीडियो बनाना. बड़ा मजा आ रहा था सबको देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर हमें मिलेगी, कुछ ना कुछ तो ये चैनल डीकोड करेगा. मतलब इस लेडी के किसी भी चीज की बाल की खाल निकालना, जिसको कहते हैं ना, उसका हद इतना है कि अगर किसी ने जो SSR से रिलेटेड था, उसने कहीं पे मून का या सन का एक इमोजी भी डाल दिया ना, तो ये उसको भी डीकोड करती थी कि इसका ये मतलब है. किसी ने एक रील डाल दी तो उसको भी डीकोड करती थी कि देखो, यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी, इसलिए इस रील में दिखाया भी था और प्लानिंग करते हुए उसको मजा आ रहा था. ये मैं उस रील की बात कर रही हूँ जो एक रिया चक्रवर्ती की रील की इसने बात की थी कि देखो, इसने बनाया है, एंड अगर आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में वो वही कर रही है. तो यहाँ से इतने छोटी छोटी चीजों से, पहले इनका वीडियो बड़ा छोटा छोटा होता था और लोगों को मैनिपुलेट करती थी, और उस टाइम इनकी आवाज में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था. अब इनका पहला झूठ मैं आपको यहाँ पे इनका एक कमेंट दिखा रही हूँ. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने अपना वीडियो पहले इंग्लिश में डाला था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में अब डाल रही हूँ. लेकिन मेरा हिंदी और इंग्लिश का एक्सेंट मिलके बड़ा फनी हो गया, तो इसलिए अब मैं फर्क नहीं करूंगी, अब मैं अपनी लैंग्वेज में, माइंड इट, अपनी लैंग्वेज में वीडियो बनाऊंगी. उसके बाद इनके 3-4 नेक्स्ट वीडियो पे भी इन्होंने ये कमेंट किया, उसके नेक्स्ट वीडियो पे भी शायद इन्होंने कमेंट करके पिन कर रखा है. आज भी आप जाएंगे इनके ओल्डेस्ट वीडियो के ऊपर, आप पिन कमेंट देखेंगे तो वो यही कमेंट मिलेगा आपको. इन्होंने बोला मैं अपनी ही लैंग्वेज में अब वीडियो बनाऊंगी, तो उसके बाद से तो इनका हिंदी में ही सारा वीडियो आ रहा था. मतलब इन शॉर्ट, हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि इनकी लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश में तो इन्होंने फिर वीडियो बनाया नहीं, राइट? अच्छा, उसके बाद, क्योंकि उन 2-3 वीडियो में इन्होंने इंग्लिश पढ़ी थी अपनी आवाज में, ठीक है. बाय द वे, बाद में ये ऐसा सीन हो गया कि मैं आवाज और एक्सेंट सब कुछ स्विच कर सकती हूँ. जब मैं स्विच करती हूँ तो ना कि सिर्फ मेरी आवाज बदल जाती बट इनका एक्सेंट भी बदल जाता है. एक शॉर्ट वीडियो इनके चैनल पर है जो क्लेम ये करती है कि ये इन्होंने बोला है वो कोट,
उधर आप जाके जरा कान में दोनों हेडफोन लगा के आवाज सुनिएगा, वो इनकी आवाज है ही नहीं, वो किसी बाहर वाली फिरंगी लेडी की आवाज है, ठीक है। तो ये पहला इनका झूठ यहाँ पे पकड़ा गया। इनके सब्सक्राइबर का कहना है इनके नाम से मैंने कितने व्यू ले लिए हैं, 1700। इनके पूरे चैनल पे जितने व्यू हैं उसमें इनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बकवास की है कि ये लेडी डायना की पुत्री हैं, सुपुत्री हैं, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो खुद अपने आप में एक कॉन्स्पिरेसी है कि उनकी बेटी थी या उनकी बेटी नहीं थी, ठीक। अब इस औरत ने ये सिर्फ इनके एक साल के वीडियो से निकाले हुए कुछ नाम है जिन नामों के ऊपर ये रोटियां सेक रही हैं और व्यूज ले रही हैं। इन नामों में मैं इनमें से कुछ नाम के लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, कुछ नाम के लोगों को मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ। और जब SSR की न्यूज़ ब्रेक हुई थी तो बहुत ही सारे नाम इसमें वैसे भी हैं जो मुझे बुरे लगते थे लोग। अब मैं नाम पढ़ती हूँ, आपकी CD ने किस किस के नाम से व्यूज बटोरे हैं, सुनिएगा ध्यान से। SSR आज तक बटोर रही है उसके नाम के व्यू। एक काम कर CD, तू कटोरा लेकर के यहाँ पे बॉलीवुड की गलियों में आके बैठ जा, तुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, ठीक। शौविक चक्रवर्ती, रिया, बेबी पेंगविन, स्टीव हफ, सलमान खान, जिया खान, मोदी, अमित शाह, सिद्धार्थ पठानी, सिद्धार्थ शुक्ला, दीपेश सावंत, आदित्य सूरज पांचोली, मुंबई पुलिस, सुवेद लोहिया, सुरजीत सिंह राठौर, असालियान, जीशान सिद्दीकी, कंगना रनावत, अंकिता लोखंडे, शिवसेना के नाम से इन्होंने ले लिया, इन्होंने मुंबई की गवर्नमेंट, मुंबई की पुलिस के नाम के व्यू खा लिए, इन्होंने जया बच्चन के नाम का व्यू खा लिया, इन्होंने रवि किशन के नाम का व्यू खा लिया, इन्होंने नितेश राणा के नाम का व्यू खा लिया, सलमान खान के नाम का व्यू आज तक खा रही है, इन्होंने मुकेश भट्ट, महेश भट्ट के नाम का व्यू भी खा लिया, उसके बाद इन्होंने आनंदी धवन के नाम का व्यू खा लिया, नारायण राणे के नाम का व्यू खा लिया, इन्होंने दीपिका सारा, कीर्ति सेनन और श्रद्धा कपूर, करण जौहर, अर्नब गोस्वामी, बिग बॉस, अक्षय कुमार, विभोर आनंद, उद्धव ठाकरे, ऋतिक रोशन, और इन्होंने एम्स हॉस्पिटल के नाम का भी व्यू खा लिया। मेरे ख्याल से इनकी रोटी इसी से चल रही है। ये कहती हैं कि मैं दूसरी दुनिया की हूँ, आप किसी भी दुनिया की नहीं है, आप पड़ोसी मुल्क की है, क्योंकि आपका जो कहना था कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन अब आप बिल्कुल भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, आप अपनी लैंग्वेज बनाई, उसके बाद आपने 5-6 वीडियो हिंदी में छापे, काफी सारे वीडियो हिंदी में छापे, क्योंकि आपको इंडिया के लोगों को मैनिपुलेट करना था, मैनिपुलेशन। ये कहती हैं कि अभी इनका जो स्टैंड है वो ये है कि मैं दूसरी दुनिया की हूँ, एक मिल जाए ना तो मैं सच में घुमा के एक चमाट झड़ दूंगी इस औरत के मुंह पर। आपको मैं बताती हूँ कि ये औरत किसी भी दूसरी, तीसरी, चौथी दुनिया की नहीं। और जो इनके सब्सक्राइबर्स का कहना है ना कि मैं इनके नाम का व्यू ले रही हूँ या ये वो, नहीं नहीं नहीं, इनका चैनल बड़ा ही अलार्मिंग है। इतने सारे लोग, सारे इंडिया के, सबके खिलाफ ही इन्होंने बोला है, ठीक है, किसी के फेवर में नहीं बोला। SSR की फैन है बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है, वो लड़का ही ऐसा था कि उसके सब फैन है, हम सब भी उसके फैन है, लेकिन ये औरत इतना मैनिपुलेट कर रही। अब ये बात करती है इल्यूमिनाटी की, इल्यूमिनाटी एक आंख वाला ग्रुप कहती है उसको, वो एक कल्ट है, एक सीक्रेट सोसाइटी है, वैसी सीक्रेट सोसाइटी और 2-3 है, उसमें से ये एक से बिलोंग करती है, ऐसा इसका क्लेम है। और ये करीब एक साल तक नॉर्मल वीडियोस बनाती रही, जैसे बाकी के लोग बनाते रहे, सुशांत सिंह के साथ उस दिन रात को ये हुआ होगा, उस दिन रात को वो हुआ होगा, बॉडी एक नहीं थी, बॉडी 2 थी, अरेबियन सी में एक माइनर की लाश मिली, विभोर आनंद को देखो, बाद में विभोर आनंद भी इनके लिए बुरा हो गया। भाई साहब एक बात बताओ, कौन सा सस्ता नशा करके तुम वीडियो बनाती हो, और तुम्हें इतना ऑब्सेशन है इंडिया से, मुझे लगता है तुम एंटी इंडिया हो, क्योंकि तुम इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ भड़का रही हो। उसके बाद यही नहीं भाई, आगे बहुत कुछ इसने बोल रखा है, मैं सारी चीजें एक एक करके इसकी डिकोड करूंगी, जैसे तुम डिकोड कर रही हो ना, वैसे मैं अब तुम्हें डिकोड करूंगी, चाहे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स यहाँ आए, लड़े, झगड़े, मर जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, पहले ही इनका जो फर्स्ट वीडियो आया उसमें आवाज में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बड़ा छोटा सा वीडियो था, ठीक है भाई साहब, उसका पिन कमेंट भी आप लोग रीड करिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद इन्होंने लोगों को भड़काया कि एम्स का जो हॉस्पिटल है वो जल्दी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा। उसके खिलाफ इन्होंने भड़काया लोगों को, भड़क उस वक्त बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था, इनफैक्ट आज तक कुछ पता नहीं चला है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मोदी खामोश क्यों है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात करने की इसकी हिम्मत बढ़ गई, क्यों, क्योंकि कुछ बेवकूफ इंडियन इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बात को एकदम सिरे से सच्चा मान रहे हैं।
इनका कहना था कि मोदी जो है हर हर देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही तो नहीं बोल देता किसी भी केस पे, बट उनको बोलना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडियंस का इंटरेस्ट है, हम सब जानना चाहते हैं। उस टाइम तक ये इंडियंस का इंटरेस्ट और हम सब जानना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बताना चाह रही थी कि ये भी हम ही लोगों में से एक है, शायद इंडियन है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि मोदी खामोश इसलिए हैं क्योंकि उन्हें तो मुंबई सरकार के, मुंबई की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके साथ उन्हें संगठन बनाना है, उसके साथ उन्हें सरकार बनानी है, इसलिए वो चुप रहेंगे। और इसलिए तो सरकार बनाने के लिए तो देखिए पॉलिटिक्स में ये डिप्लोमैट्स होते हैं, इन लोग किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं, अपने भाइयों की, अपने घर वालों की कुर्बानी दे सकते हैं। तो दिशा सालियान और SSR क्या चीज़ है, ये सारी बकवास इसने की। और लास्ट में बोला कि अंदर अंदर ना ये जो है मोदी को सब पता है, और वो अंदर अंदर हॉलीवुड में से कुछ चीज़ों का, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट सबूतों का, SSR से रिलेटेड सबूतों का सफाया करवाने में उनका हाथ है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, मोदी के खिलाफ भी भड़का दिया, अमित शाह के खिलाफ भड़काया, ये कह के कि अमित शाह जी से जब पूछा गया कि इस केस का क्या है तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेट आंसर दिया। तो वो अगर हमारे कंट्री के इतने सीरियस, इतने सीनियर नेता हैं तो वो डिप्लोमेट ही जवाब देंगे, और उन्होंने कोई डिप्लोमेट जवाब नहीं दिया था, उन्होंने यही जवाब दिया था कि इस केस की इंक्वायरी अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो भी इसके पीछे वो पकड़ा जाए। ठीक, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते, वो खुद आगे तो इंक्वायरी करेंगे नहीं क्योंकि आप मचल रही हैं सब कुछ जानने के लिए। उसके बाद ये औरत स्विच करती गई, जैसे जैसे न्यूज आती गई वैसे वैसे लोगों का नाम यूज करके कंटेंट छापती गई। उसके बाद इसने बोला अर्णब गोस्वामी जो है उनको बीजेपी की बैकिंग है। पहले इसने बीजेपी का नाम खराब किया कि उन लोग शांत है, खामोश है, क्योंकि उनको संगठन बनाना है महाराष्ट्र की सरकार के साथ ताकि वो लोग चुनाव में जीत सकें, ये कर सके, वो कर सके। उसके बाद जब अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत ने इसके ऊपर आवाज उठाई तब इसने बोला कि अर्णब गोस्वामी को बीजेपी की बैकिंग है इसलिए वो ये सब कर रहा है, है ना। ये सब करते 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 एक साल इसने मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज बटोरे हैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और इंडियंस का नाम ले लेके। जिसने मुझे बोला कि तुमने 1700 व्यूज, एक काम करो आओ और ये व्यूज तुम ले जाओ, ठीक आके ले जाओ, इसका ट्रांजिशन उन लोगों ने नहीं देखा, है ना। पहले इसे सुशांत सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो ऐसा कर रहा होगा वैसा कर रहा होगा, तो उस दिन रात को वो ऐसा कर रहा होगा, उस दिन रात को वैसा कर रहा होगा, रिया ऐसा करती होगी, रिया वैसा, मतलब यहाँ पे जो न्यूज आती थी उसको सुन करके ये कंटेंट बनाती थी। उस वक्त तक इसे कुछ पता नहीं था, लेकिन ये इतना घुस गई हर चीज डिकोड करने में, ये इतना घुस गई। और जैसे ही सलमान खान का नाम आया वो उसका जानी दुश्मन हो गया, उसके बाद सलमान खान के ऊपर हजारों व्यूज, उसके बाद अंकिता लोखंडे के ऊपर व्यूज क्योंकि वो जुड़ी हुई थी SSR से। तो इस तरह से करते 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 3 साल में इसने 50,000 सब्सक्राइबर्स को मैनिपुलेट कर लिया। और बीच बीच में जब इसने दूसरा कंटेंट ट्राई किया, इसके पास व्यूज नहीं आए, तो ये वापस सुशांत सिंह पर आ गई। अब मैं वो पर्टिकुलर वीडियो खोज रही हूं अभी जिस वीडियो में इसने क्लेम किया है कि ये दूसरी दुनिया की है, क्योंकि उसके पहले ये नॉर्मल दुनिया की थी, ये सब कुछ जानना चाहती थी, शी वॉज एब्सोल्यूटली नॉर्मल, उसकी आवाज भी नॉर्मल थी। अभी तो भाई साहब आवाज में जो कॉन्फिडेंस है कि कुछ कहने ही नहीं। इनके सब्सक्राइबर्स का कहना है कि मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि कॉन्स्पिरेसीज पे बात करती है, बहुत सारे उसके वीडियोज मुझे भी इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन है तो एंटी इंडिया। अच्छा, इसकी एक सब्सक्राइबर ने आके बोला ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, या आपका जवाब दे रही हूँ मैं, नीतू सिंह नाम की आईडी से आपने कमेंट किया है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो IB करती है। सो मैम प्लीज एक्सक्यूज मी, IB जो है ना एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ना, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, मुझे आप मत समझाइए, IB ATS इन सबके काम आप मुझे मत समझाइए। ये कभी नहीं क्लेम करते कि ये दूसरी दुनिया के हैं या ये किसी कल्ट से रिलेटेड है। कल्ट और गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपको अगर नहीं पता है तो जो कल्ट ग्रुप्स है ना, ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो लीगल नहीं होते हमारी दुनिया में, लेकिन IB ATS ये लोग जो भी काम करते हैं ना, ये लीगल दायरों में रह के करते हैं। और इनकी प्रोफाइल, इनके जॉब प्रोफाइल, ये कब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होता, ये आप मुझे मत बताइए, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मतलब आप लोग खुद देखिए, मैनिपुलेशन की हद इतनी ज्यादा इस औरत ने पार कर दी है। मैं CD की बात कर रही हूं कि इसके सब्सक्राइबर्स ऐसी बकवास करते हैं आके। इलुमिनाटी, चलिए, इलुमिनाटी एक कल्ट ग्रुप है ना,
जो थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहा है, उसका कहना है कि जिस भगवान को आपने कभी आज तक देखा ही नहीं, आप उसे मान कैसे सकते हैं। पूरा दुनिया एक ही भगवान को माने, एक ही रिलीजन को फॉलो करे। पहला उनका मेन ये वाली जो चीज़ है, ये उनका एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर दुनिया उनके खिलाफ है, ठीक है। दूसरी चीज़ दुनिया का हर बड़ा आदमी उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक, ऐसा बोलते हैं। जो भी ऐसे ट्रायंगल बनाता है वो, मतलब कभी आप लोग देखिएगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यू बनाते हैं ट्रायंगल, तो सब कहते हैं कि अरे ये तो इल्यूमिनाटी का है, ये तो इल्यूमिनाटी का। और इल्यूमिनाटी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फीड करता है, उनका एक वो एक पैटर्न फॉलो करता है, एक पैटर्न नहीं बोलेंगे उसको, एक तरीका फॉलो करता है, ठीक है। वो तरीका ये है कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसे कोई भी चीज़ डालनी है तो आपको बार बार वो चीज़ कहीं ना कहीं फ्लैश होगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत छोटा गिरा हुआ गरीब एग्जाम्पल। जब आप सड़क पे निकलते हो, आप होर्डिंग्स देखते हो तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट की, राइट, जिसे आपको कोई लेना देना भी नहीं। से फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वॉन्ट टू बाय अ फ्लैट अ हाउस, बट स्टिल वेन यू गो आउट आपको 10 होर्डिंग दिखेंगी कि यहाँ पे ये घर बना, वहां पे वो घर बना, ये हमने किया, वो हमने किया। क्यों? आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, फिर कभी ना कभी आपके माइंड में आएगा कि घर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें फिट की जाती हैं। और इसके पूरे चैनल का आप पैटर्न देख लो, पहले ये अच्छी बन के आई, पहले ये दिखाई कि मैं तो डीकोड कर रही हूँ, उसके बाद इसने बोला मैं तो किसी कल्ट ग्रुप को बिलोंग करती हूँ, मैं तो दूसरी दुनिया की हूँ। एक साल तक इसके वीडियोज में ना पीछे कोई खांसता था, ना पीछे इको वाली कोई आवाज का इफेक्ट था। आप लोग खुद वीडियो देख लीजिए, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो भाई सारे वीडियो पड़े हैं उसके, 900 वीडियोज है उसके चैनल पर। लेकिन जब से उसने ये ऐलान किया है कि वो दूसरी दुनिया की है, क्योंकि उसको उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत से बहुत प्यार हो गया, अब इतना घुसेगी किसी के अंदर कि किसी इंसान की डेथ हो गई है उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही, लीच बन के चिपक गई है, तो फिर प्यार हो ही जाएगा। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत था तो बड़ा हैंडसम, बहुत इंटेलिजेंट भी था, उसकी बड़ी तारीफ भी होती है, राइट। इनको प्यार हो गया तो इन्होंने जब देखा कि अब तो सुशांत सिंह के राजपूत की इंक्वायरी वाला मसला शांत हो गया, अब इसको मैं कैसे करूं, जिंदा कैसे रखूं, तो इनके दिमाग में, इस साइको के दिमाग में आया कि हम उसको अपनी दुनिया में जिंदा कर लेते हैं। अपनी दुनिया में जिंदा कर लिया, अब आप जाके देख लो दुनिया की 50 आज से लेके एक महीने तक 50 वीडियो देख लो कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर, आप अपने आप कहानियां बनाने लग जाओगे, ऐसी ही कहानियां बनाने लग जाओगे जैसी ये औरत बना रही है। तो इसके सब्सक्राइबर्स को मैं बोलूंगी कि मेरे से आके बकवास और बहस मत करना। एंटी इंडिया चैनल चला रही है, ये जो लिस्ट है ना, ये इन सब के नामों का पैसा बना के खा चुकी है, और ये लिस्ट सिर्फ इसके 15 से 20 वीडियो से निकाले हुए नाम है। 900 वीडियोज में अगर मैं लिस्ट निकालने बैठी ना तो ये डायरी पूरी भर जाएगी। तो इसके सब्सक्राइबर्स का जो 1700 नाम निकल आएंगे, जितने मेरे व्यूज नहीं आए उससे ज्यादा नाम निकल आएंगे इनफैक्ट। तो ये सारी बकवास तो करना नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, इसने बैंक रन वाली एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की इंडिया में। आप लोगों को पता है बैंक रन क्या होता है? बैंक रन ये होता है कि जब आप लोग, आप सभी का अकाउंट होगा, आप एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं और वो ऑलरेडी हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है हर चीज़ में, हर इंसान के पास, हर दूसरे तीसरे चौथे जो भी उसका स्टार्ट हो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंट होते हैं बैंक में, राइट। बहुत सारे लोगों के बिजनेस अकाउंट होते हैं, हर तरह का अकाउंट होता है हमारा बैंक में। इस औरत ने एक पूरा वीडियो बना के बोला है, तो आप लोग एक काम करिए, कोविड जैसी सिचुएशन बनने से पहले, क्योंकि अभी एक और नया और गंदा वायरस आएगा जिसमें आपके पास मात्र कुछ सेकेंड्स का टाइम रहेगा, आप मास्क निकालेंगे और कुछ सेकेंड्स के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, तो ऐसे टाइम पे यूज करने के लिए आप अपने सारे फंड्स बैंक से निकाल लें, ऐसा ही कुछ इसने बोला। ये बैंक रन क्रिएट करना है किसी देश की इकोनॉमी को खराब करने के लिए, किसी देश की सरकार को बर्बाद करने के लिए बैंक रन जैसा सिचुएशन क्रिएट करवाने की कोशिश करने वाली ये सीडी कैसे इंडिया की दोस्त हो सकती है, आप लोग मुझे ये बताइए। क्योंकि जब यू नो व्हाट हैपेंस इन बैंक रन, जब भी लोगों को लगता है कि हमारा बैंक अब बैंकरप्ट हो रहा है, वो अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है। जब वो पैसा विड्रॉ करना शुरू करते हैं, वो बैंक को अपने आप को बैंक करप्ट घोषित करना पड़ता है, और जिन भी लोगों ने उस बैंक में अकाउंट खोला हुआ होता है उन सब के पैसे तो वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उतना फिजिकल जो मनी है ना वो देना पॉसिबल नहीं है बैंक के लिए। आपको ऑनलाइन पैसा वर्चुअल वे में आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन आप उतना कैश निकालेंगे तो बैंक बंद हो जाएगा,
जिनके वहां पे एफडी हैं वो तोड़ना चाहते हैं, वो नहीं तोड़ पाएंगे, ना उनको को अपना पैसा रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट तो छोड़ दो दूर की बात है। जिन कंपनीज ने वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिन लोगों ने उस बैंक के शेयर खरीद रखे हैं, सब लोग डूबेंगे। ठीक है, इसने बोला बैंक, सारे बैंक से अपना पैसा आप लोग निकाल लीजिए, कैश अपने पास रखिए, नहीं तो क्या होगा? कैश अपने पास रख के क्या करना होगा उसका? उसको चद्दर की जगह बिछा के सोना पड़ेगा? मतलब ये औरत ने यहां तक की कोशिश की कि पूरा इंडिया की इकोनॉमी खराब हो जाए। एक जिस दिन ये हो गया, इंडिया एज अ कंट्री बर्बाद है। ठीक है, कोई भी कंट्री ना लोन देगी, ना इंडिया के साथ बिजनेस करेगी, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीजें, चेन रिएक्शन जो होगा ना बड़ा खतरनाक होगा। इस औरत ने वो तक ट्राई किया, आप लोग कैसे बोल सकते हैं? एंड इसको देखने वाला हर इंडियन, मैं उसको बोलूंगी भाई इसी के पास चले जाओ, और जो तुम लोगों का कहना है कि मैं उसको नहीं जानती, मुझे तुम लोग बताओ कि तुम लोग उसको जानते हो, तुम लोग उसको जानते हो, तुम लोग भी उसको नहीं जानते हो? अगर जानते हो तो उसका नाम बस बता दो आके मेरे को कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसने आज तक अपना नाम भी नहीं बताया है, क्योंकि वो किसी एजेंडा के थ्रू ये चैनल चला रही है। उसका पूरा चैनल इंडिया के ऊपर ही क्यों बेस्ड है? हाँ, कुछ वीडियोस हैं जो नॉर्मल है, वो दिखाना भी पड़ता है ना कि नहीं भाई हम बस इसलिए नहीं, ताकि पता तो चले ना कि नहीं हम दूसरे टाइप के वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन 75% से ज़्यादा वीडियोस सिर्फ इंडिया, इंडियंस, इंडिया में होने वाली चीज़ें, इंडिया में दिखाई जाने वाले प्रोग्राम्स, इंडिया में दिखाया जाने वाला बिग बॉस, इंडिया में किसी की डेथ हो गई, इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स के बारे में तुम बात कर लो, इंडिया के मिनिस्टर्स के बारे में तुम बात कर लो, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में तुम बात कर लो, इंडियंस को क्यों लोग हेट कर रहे हैं बाहर वो तुम बात कर लो, तो तुम एंटी इंडिया नहीं हो? इसको देखने वाले हर इंडियन को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग एक एंटी इंडिया चैनल को प्रमोट करो। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे रोस्ट चैनल है, जितने भी हमारे रिएक्शन चैनल है, इसके ऊपर रिएक्शन दो। ये इंडिया की दुश्मन है और इसको इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। धीरे 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 मैनिपुलेट कैसे करते हैं पता है? अगर मुझे आपको मैनिपुलेट करना है, मेरे वो आपके दिमाग में कुछ चीज़ डाल दी ना, मैं आपको बैठा लूंगी अपने पास, बोलूंगी देखो ये ऐसा है ना, इसका एक वीडियो है जहाँ पे SSR की हैंडराइटिंग S मैच कर रही है, ये देखिए S में उसने S, इसका S अलग है, ये देखिए इसका S अलग है, देखिए इसका S, काउंट कर लीजिएगा स्टेटमेंट कितनी बार बोला है। कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के बाद आपको लगने लगेगा नहीं हाँ ये सही बोल रही है, ये जो वैसे बोल रही है बोल तो सही रही है। ऐसे कर करके इसने लोगों को मैनिपुलेट किया, इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ, और कोई कारण नहीं है। मैं एंटी इंडियन चैनल्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, जो कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, आई लव माई कंट्री। मुझे, मैंने यहाँ पे जितने नाम आप लोग को दिखाए हैं, उन नामों में से जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला, सारे मुझे पसंद नहीं। SSR मुझे पसंद है, अर्णब गोस्वामी मुझे पसंद है, मोदी मुझे पसंद है, अमित शाह मुझे पसंद है, बाकियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके चैनल पर हर इंडियन बुरा, इंडिया के हॉस्पिटल बुरे, इंडिया की गवर्नमेंट बुरी, इंडिया के पुलिस बुरी, सब लोग बुरे ही हैं। तुम्हारा क्या, व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड इट, व्हाट इज द पर्पस, तुम किस पर्पस से ये वीडियो बना रही हो? व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? तुम्हारी लैंग्वेज पहले हिंदी थी, तुमने क्लेम किया कि तुम्हारी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन तुम हिंदी में वीडियो बनाती रही, लेकिन जब तुमने कंफर्ट जोन से बाहर आई है, ये कह लो कि जब तुम्हें लगा कि अब इंडियन मैनिपुलेट हो गए, तो तुम उर्दू बोलने लग गई। तुम एक झूठी औरत हो। पहले तो तुम अपना नाम बताओ, तुम अपना काम बताओ, तुम किस पर्पज से आई हो वो बताओ। और मैं चाहूंगी भाई, मेरे इंडिया के प्यारे भाइयों, रोस्ट चैनल वालों, लक्ष्य भैया, पीपॉय भाई, आप लोग कहाँ हैं? इस चैनल के ऊपर नजर डालें। ये इंडियंस को भड़का रही है, एंटी इंडिया एजेंडा चला रही है, बहुत सारी चीजें बोलती है, वो सही भी बोलती है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत बोलती है, पूरे इंडियंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने आई है ये औरत। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही, बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड जय महाकाल।